देखिए सूर्या के पुराने नोरो फिल्म के बाद कनगुआ से भी बड़ी अपडेट सामने आ गई है, वो भी उसके टीजर से रिगार्डिंग। एक्चुअली में फिल्म का प्रोड्यूसर हाल ही में मीडिया में आए थे और वहां उन्होंने बोल दिया हम अपने कनगुआ का टीजर अगले साल जनवरी महीना में रिलीज करने वाले हैं और फिल्म का पूरा शूटिंग दिसंबर महीना में सूर्या और डायरेक्टर शिवा खत्म कर देंगे और उसके बाद कनगुआ को हम थंगलान के बाद ही रिलीज करने वाले हैं पैन इंडिया अगले साल समर में। जी हाँ, कनगुआ चयन विक्रम की थंगलान के बाद आएगा। एक्चुअली में दोनों फिल्मों के एक ही प्रोडक्शन कंपनी बना रही है ग्रीन स्टूडियो और इनका बोलना है हम थंगलान रिलीज के बाद ही कनगुआ का प्रमोशन भी ऑल ओवर इंडिया में चालू कर देंगे। यानी कि भाई चयन विक्रम की थंगलान अगले साल के बिगनिंग में आएगा तो कनगुआ अगले साल के समर में आएगा और हमें सूर्या की कनगुआ का टीजर जनवरी में देखने को मिलेगी और आज शायद चयन विक्रम के थंगलान से एक बड़ा अपडेट भी आ सकता है। तो देखते हैं स्टूडियो ग्रीन कंपनी के दो पैन इंडिया फिल्म कैसी होती है। सलमान खान के टाइगर 3 फिल्म से काफी अच्छी न्यूज आ गई है। एक्चुअली भाई टाइगर 3 के एडवांस बुकिंग अगला संडे यानी 5 नवंबर से चालू हो जाएगा इंडिया में। वैसे फिल्म को ओवरसीज मार्केट में एडवांस बुकिंग कब का चालू हो चुका है और इंडिया में भी ओपन करने जा रहे YRF एडवांस बुकिंग 5 तारीख से। और हाँ, ये सलमान खान के टाइगर 3 पूरे 2 घंटा 35 मिनट लंबा होगा रन टाइम के मामले में और हो सकता है जल्द ही यशराज फिल्म से एक और प्रोमो वीडियो रिलीज करें। सो देखा जाए अब की टाइगर 3 एडवांस बुकिंग में कितना टिकट सेल करता है। देखिए कई महीने से सलार का तेलुगु स्टेट का थिएटर राइट बेचने में लगा था हम बाले कंपनी। यहां तक कि अल्लू अर्जुन की प्रोडक्शन कंपनी गीता आर्ट्स भी सलार का तेलुगु राइट खरीदने से मना कर दिए थे, लेकिन भाई कल फाइनली सलार का तेलुगु स्टेट का राइट बिक चुका है पूरे 175 करोड़ में कोई बड़ी प्रोडक्शन कंपनी को, जिसका नाम अभी सामने नहीं आया है। खैर, जो भी बाकी कंपनी ने सलार को रिजेक्ट किया था वो हम्बाले कंपनी के जीत के कारण है, क्योंकि वो पहले 200 करोड़ से कम में नहीं बेचना चाहते थे सलार का तेलुगु स्टेट का राइट, मगर जैसे ही उन्होंने 25 करोड़ दाम कम किया तो फटाक से तेलुगु स्टेट का राइट सलार का बिक गया। वैसे आपको बता रहा हूँ इस थिएटर प्राइस में भी सलार तेलुगु की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है राजा मौलीसर की आरर के बाद, क्योंकि आरआर का तेलुगु स्टेट का राइट 200 करोड़ से ज़्यादा में बिका था 2021 में। खैर, हिंदी में रवीना टंडन की डबल ए कंपनी कितने में सलार का थिएटर राइट खरीदा है वह भी डेटा जल्द सामने आ जाएगा। तो जैसे कि आप जानते होंगे कमल हसन एक फिल्म बना रहे हैं पोनिन सेल्वन के डायरेक्टर मणि रत्नम के साथ, तो भाई उस फिल्म का अनाउंसमेंट टीजर और टाइटल का रिलीज डेट अब रिवील हो चुका है। इस कमल 234 फिल्म का टीजर 7 नवंबर को रिलीज होने वाला है, क्योंकि उसी दिन कमल हसन का जन्मदिन है। शायद उसी दिन उनकी कमल 233 और इंडन 2 से भी कुछ बड़ा अपडेट ये शंकर भेज सकते हैं। वैसे अब जल्द ही मणि रत्नम सर फिल्म का शूटिंग भी चालू करने वाले हैं कमल हसन के साथ कमल 234 फिल्म की। अश्वधामा के डायरेक्टर आदित्य धर एक न्यू फिल्म का काम चालू करने जा रहे हैं और वो फिल्म एक स्पाई एक्शन होगा और ये फिल्म ट्रू इवेंट पर भी बेस्ड होगी। वैसे आदित्य धर पहले विकी कौशल के साथ उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म बना चुके हैं, क्या पता ये स्पाई एक्शन वाला फिल्म भी वो फिर से विकी कौशल के साथ बनाए। बाकी भाई लगता है आदित्य धर अश्वधामा सुपर हीरो फिल्म को अब नहीं बनाएंगे कुछ सालों के लिए और जियो कंपनी भी अब किसी और हीरो से अप्रोच नहीं किया है अश्वधामा का सुपर हीरो बनने के लिए। शायद वह भी अब अश्वधामा बनाने का प्लान बदल चुका है। उम्मीद किया जाए भविष्य में जियो फिर से जरूर बनाए हमारी अश्वधामा सुपर हीरो फिल्म को। जूनियर NTR अपने देवरा का फिर से एक और शूटिंग शेड्यूल चालू करने वाले हैं और ये शूटिंग हैदराबाद में नहीं बल्कि गोवा में चलने वाला है और NTR भी आज गोवा जा चुके हैं देवरा के काम के लिए और इस शेड्यूल में NTR और जहानवी कपूर होंगी केवल। शायद फिल्म का एक गाना का शूटिंग करना चाहते हैं करोटला सिवा गोवा के अंदर। वैसे इस देवरा फिल्म में भी ड्रग और कुकिंग का सीन होने वाला है। सैफ अली खान यानी वैरा इस देवरा में एक ड्रग डीलर होगा जिसको खत्म करेंगे NTR इस मूवी के अंदर।
रावी तेजा ने जो अपना न्यू फिल्म फाइनल किए थे गोपी चंद मलिनी के साथ, तो भाई कल उसका पूजा सेरेमनी भी हो चुका है मिथ्री मूवी मेकर के स्टूडियो में। वैसे इस फिल्म का बजट काफी बड़ा होने वाला है, जहां रवि तेजा की टाइगर नागेश्वर राव सिर्फ 50 करोड़ के बजट में बन गई थी, तो वहीं यह न्यू फिल्म रवि तेजा की उससे भी ज्यादा बजट में बनेगा। तो देखा जाए कब इसका टाइटल का अनाउंसमेंट करते हैं रवि तेजा। अब चलिए बॉक्स ऑफिस पर आ जाते हैं, जहां तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे थाला फटी विजय के लिए से, जहां विजय सर की फिल्म ने बुधवार के दिन कलेक्शन किया था 13 करोड़ 40 लाख रुपया, तो वहीं कल गुरुवार के दिन लियो ने 10 करोड़ 25 लाख रुपया कमाई किया है पूरे इंडिया में, जिसमें से तमिल मार्केट से 7 करोड़ कलेक्शन हुआ, तो तेलुगु में 1 करोड़ 25 लाख रुपया लियो ने कमाया और अपने हिंदी बेल्ट में भी 1 करोड़ तक कलेक्शन हो चुका है लियो का। और इसके साथ लियो का इंडिया में टोटल कलेक्शन अब तक 8 दिन में 265 करोड़ 60 लाख रुपया हो चुका है, और ओवरसीज मिलाकर लियो ने 482 करोड़ कमाई किया है पूरी दुनिया के मार्केट में 7 स्टूडियो के हिसाब से। लेकिन कल से मीडिया में हल्ला मच गया है कि लियो 500 करोड़ कलेक्शन कंप्लीट कर लिया है बॉक्स ऑफिस पर, पता नहीं रियल डेटा है क्या। अब चलिए लियो के बाद रवि तेजा की फिल्म पर आ जाते हैं। देखिये टाइगर नागेश्वर राव ने जहां बुधवार के दिन 3 करोड़ कलेक्शन किया था, तो वहीं कल गुरुवार के दिन रवि तेजा की फिल्म ने 1 करोड़ 75 लाख रुपया कलेक्शन किया है पूरे इंडिया में, जिसमें से 15 लाख रुपया हिंदी मार्केट से कमाई हुई फिल्म की। और इसके साथ टाइगर नागेश्वर राव का इंडिया में टोटल कलेक्शन अब तक 7 दिन में 29 करोड़ 44 लाख रुपया हो चुका है, और ओवरसीज मिलाकर फिल्म ने 38 करोड़ 5 लाख रुपया कमाई किया है पूरी दुनिया के मार्केट में। बाकी भाई इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।